माइक्रोफोन आप देख सकते हैं, ये मॉडल नंबर है, ये मुझे पड़ा अराउंड 899 रुपीज़। इस पर तो लिखा है 2750। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। एक सिलिका का पैकेट है, एक खाली बॉक्स है, एक वारंटी पॉलिसी है, वारंटी कार्ड है, यूज़र मैनुअल है, एक कवर दिया है, अच्छा है कवर, क्वालिटी अच्छा है। इसमें क्या क्या दिया है, जितना मैंने सोचा था ये वायर उससे भी बहुत बड़ा है, मुझे तो लगा था वायर कम पड़ेगा। और ये जो माइक साइज़ है, देखने में वीडियो में बहुत छोटा दिखता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, मोटा है, आप देख सकते हो उंगली का जितना साइज़ है ये। सामने भी इतना लंबा वायर दिया है, यहाँ पे माइक है, और पीछे इतना लंबा वायर दिया है, और ये इसका जैक है, यहाँ पे एक हुक है, यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है, और इसका ब्रांडिंग का नेम, एक छोटा सा कवर दिया है। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें एक सेल दिया है, एक सेल है, ये एक होल्डर है, एक स्पंज का कवर मिला है माइक को आगे डालने के लिए। चलिए ट्राई करते हैं, और एक कनेक्टर दिया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें ये सेल कैसे डालना है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये ऊपर का जो है ये आप ओपन कर सकते हैं, नीचे का टाइट पकड़िए और ऐसे रोटेट कीजिए तो ये ऊपर का कैप हट जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं सेल डालने के लिए जगह है। एक छोटा सा ये दिया है, ये सेल निकालने के लिए काम आएगा आपको, ये इसके ऊपर सेल रखना है। ये बैटरी का प्लस है, ये साइड का नेगेटिव है, आपको ऐसे डालना है। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी। काफ़ी भारी है जो ये मेटल है, दिखने में तो अमेज़न में बहुत छोटा लग रहा था फ़ोटो में, लेकिन अच्छा खासा वेट है इसका, उतना लाइट भी नहीं है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि ये यहाँ पे इसको फिट करते हैं। प्रेस कीजिए और अपने आप फिट हो जाएगा, आप ये अपने कॉलर को अटैच कर सकते हैं। अभी देखा आपने, हमने एक क्लिप डाला इस माइक्रोफोन को, और इसमें जो है सेल डाला। और एक मज़े की बात बताता हूँ आपको, ये जो बटन है इसका मैं यूज़ बताता हूँ आपको। ऊपर जो लिखा है कैमरा, नीचे लिखा है स्मार्टफोन। अगर आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हो तो इसको ऑफ ही रखिए, क्योंकि ये माइक जो मोबाइल का पावर है वो यूज़ करेगा। अगर आप DSLR कैमरा को कनेक्ट कर रहे हैं तो ऊपर कैमरा की तरफ इसको ऑन कीजिए, इसको
ऐसे ऊपर सरकाई है। अगर आप जब मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहे हो और इसको कैमरा मोड पे रखोगे तो ये ऑडियो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करेगा, ध्यान रखिए। रिकॉर्डिंग करने से पहले इस बटन का पोजीशन क्या है वो एक बार चेक कर लीजिए। फिर एक बार बताता हूँ, अगर आप स्मार्टफोन पे ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये कैमरा पे है तो इस माइक से आपको कुछ भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर आप DSLR से कर रहे हैं तभी इस स्लाइडर को कैमरा पे रखिए। दोस्तों फ़िलहाल तो मैं ये क्लोज्ड रूम में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे आसपास थोड़ा बहुत नॉइज़ है लेकिन ये माइक्रोफोन वो नॉइज़ पिक नहीं कर रहा है, ये अच्छी बात है। और मेरा ऑडियो क्वालिटी भी ठीक ठाक आ रहा है। कुछ ही दिनों में मैं ये माइक आउटडोर में भी यूज़ करूँगा ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। और मैं आपको अपडेट करूँगा कि आउटडोर में इसका परफॉर्मेंस कैसा है। एक बार बता दूँ कि मैं ये किस ऐप से यूज़ कर रहा हूँ और किस मोबाइल पे कर रहा हूँ। जिस मोबाइल से मैं ये अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मोबाइल है लिनोवो Z2 प्लस, और जो ऐप है वो है ओपन कैमरा जो मैं प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था। तो मुझे ये वीडियो और ये ऑडियो क्वालिटी मिल रहा है इन तीनों चीज़ों से। ये माइक है, ओपन कैमरा ऐप है और लिनोवो Z2 प्लस मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ मैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।